नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो मुद्दा है, मुद्दा अहम इसलिए है क्योंकि देश भर में छापेमारी अभियान चल रहा है। अभियान कहें या कार्रवाई कहें या रोक कहें, सबका अर्थ अलग अलग है। 15 राज्यों में NIA ED की कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में लगभग 93 स्थानों पर कार्रवाई हुई। और अगर लोगों की बात करें तो 105 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार कौन हुए, कार्रवाई किन पर हो रही है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनसे जुड़े संगठन और उनसे जुड़े राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और स्थानीय स्तर के नेता। कारण, कई तमाम गतिविधियों में नाम, कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसी जानकारी जो कि देश विरोधी गतिविधियों की सूचक है। और परिकल्पना जो PFI बनाती है कि हम अल्पसंख्यकों की, हम गरीबों की आवाज उठाने वाले संगठन हैं, हम चरमपंथी इस्लामिक संगठन हैं, जो वो दावा करती है, उसके इतर तमाम बड़े मामले में उसका नाम आता रहता है। चाहे लव जिहाद की बात करें, चाहे कोरोना के समय तबलीगी जमात की लिंक की बात करें, चाहे हाल में ही नुपुर शर्मा के बयानबाजी के बाद जो जुमे पर जो हिंसा हुई थी, जो बवाल हुआ था, उपद्रव हुआ था, पत्थरबाजी हुई थी, उस पर भी PFI संगठन तक आज पहुंची थी। उससे जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आ रहा था। और इसके अलावा जो इस छापेमारी है ED की और NIA की, वो छापेमारी केवल एक राज्य स्तरीय नहीं है, मैं कहता 15 राज्यों में। और इस छापेमारी में सबसे ज़्यादा लोग, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो गिरफ्तार हुए हैं केरल से। हालांकि केरल के मलप्पुरम में इसका कार्यालय भी है, मेन कार्यालय भी है। और अहम यह है कि मलप्पुरम से PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा सलाम, उनको गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली हेड परवेज अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और महत्वपूर्ण यह है कि केरल के बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार, तमाम जगहों से गिरफ्तारी हो रही है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी केरल से, उसके बाद तमिलनाडु से 20, कर्नाटक से 20 और उत्तर प्रदेश से भी 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और राजधानी लखनऊ से भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम वसीम बबलू है। और निश्चित रूप से जो एक छापेमारी हो रही है, इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि जो तमाम केरल में सांप्रदायिक हिंसा हुई है, कहा जा रहा है कि उन सांप्रदायिक हिंसा में भी PFI की कोई ना कोई भूमिका रही है। केरल में 27 राजनीतिक घटनाएं हुई, वहां पर भी PFI की भूमिका सामने आ रही थी। तो हाल में ही PFI के खातों को NIA और ED ने सीज भी किया, पैसा भी मिला, पैसे के सोर्स नहीं मिले, स्रोत कहां से आ रहे हैं। और जिस तरह से लगातार तमाम तरह की गड़बड़ियां जो हमारे देश में उपद्रव को लेकर हुई हैं, चाहे NRC पे मुद्दे पे हो, CA पे मुद्दे पर हो, कहीं ना कहीं ये जानकारी मिलती रही कि इस समूह का इन सारी गड़बड़ियों में हाथ है और एक सुनियोजित योजना के माध्यम से इस चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। और सरकार, हालांकि ये जो कार्रवाई है केवल अभी नहीं चल रही है, जुलाई से कार्रवाई चल रही है, अगस्त में भी कार्रवाई हुई और पिछले 3-4 महीने से कार्रवाई संगठित हो रही है, चलती आ रही है। पर आज का दिन इसलिए खास है क्योंकि आज के दिन 15 राज्यों में एक साथ कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय पुलिस, राज्य स्तरीय पुलिस, NIA, ED लगातार दस्तावेजों को खंगाल रही है, लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है और जो गिरफ्तार है उनको 26 सितंबर तक NIA की हिरासत में भेज भी दिया गया रिमांड पर। हालांकि इसको लेकर PFI द्वारा कल हड़ताल की मांग भी कही गई, हड़ताल हम करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर PFI का जो केरल में संगठन है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध किया कि भाई कार्रवाई क्यों की जा रही है, कार्रवाई क्या राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है, क्या ये कार्रवाई राजनीतिक है? तो राजनीतिक है या होती तो कार्रवाई किन्हीं राज्यों तक होती, पर यहाँ पर सारे जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी कार्रवाई पहले सिमी पर भी हुई, बैन कर दिया गया सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। और जब वो बैन हुआ उसके बाद
कहा जाने लगा कि सिमी के जो तमाम सदस्य थे, जो लोग बड़े बड़े पदाधिकारी थे, उन सभी ने PFI ज्वाइन कर लिया। PFI जिसके 8 संगठन हैं, जिसमें स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया भी आता है, वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया भी आता है, और यहाँ पर PFI का दायरा है वो इतना बड़ा है कि कहा जाता है, दावा करता PFI कि 23 राज्यों में इनकी इकाइयाँ हैं, और इकाइयों के साथ साथ इनके लोग लगातार गरीबों के, अल्पसंख्यकों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, ये दावा करते हैं। पर जिस तरह से लगातार जो गतिविधियाँ हो रही थी, कई बड़ी गतिविधियों में नाम आया, चर्चा हुई, और माना गया कि इनकी योजना के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया, महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण पर चर्चा करना से ज़रूरी है, क्योंकि अभियान देशव्यापी होता है, और जब बात देशव्यापी होती है और जब कार्रवाई देशव्यापी होती है, उसमें चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल कुछ बयान इसमें मुद्दे में सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। PFI पे उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप जानते हैं जो भी असामाजिक संगठन हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को स्वीकार नहीं करेंगे। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा PFI आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में PFI पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था, उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। मुद्दे पर जुड़ने के लिए मेहमान साहब जुड़ चुके हैं, मैं आपको सभी से रूबरू करा देता हूं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी तो निश्चित रूप से ये भी एक चर्चा की जा सकती है कि भाई चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि चर्चा अगर किसी मुद्दे पर नहीं होगी तो उस मुद्दे का सार नहीं बचेगा। अगर सरकार निश्चित रूप से यहाँ पर देश की भलाई के लिए, देश के आने वाले में सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए, और देश में सांप्रदायिक जो सियासत ना हो पाए उसके लिए कोई कार्रवाई कर रही है, देश के खिलाफ जो लोग जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण है, और जानकारी भी महत्वपूर्ण है, और चर्चा भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी के मन में कोई सवाल होता है तो उसको सवाल को शांत करना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको मेहमानों से रूबरू करा दूँ, मेहमान इस चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपाल भाई भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में अमर साहब भाई अपना पत्र रखेंगे, और PCC सदस्य कांग्रेस कमेटी के सहजार आलम जी अपना पक्ष रखेंगे, नितिन भाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में अपनी बात रखेंगे, गजेंद्र भाई राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल हमारा रहेगा प्रवक्ता भाजपा से, सपार भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? सपार भाई, जो कार्रवाई हो रही है क्या मानते हैं ऐसी कार्रवाई, क्योंकि 2012 में भी PFI पर बैन लगाने की बात कही गई थी और इसको लेके चिट्ठी भी लिखी गई थी, 17 में भी बैन लगाने की बात की गई थी, बैन नहीं किया गया, और जब बैन नहीं किया गया तो तमाम ऐसी उपद्रवी घटना हुई है जिस पर इनकी भूमिका सामने आई। क्या मानते हैं, क्या पहले सिमी की तरह बैन कर देना चाहिए था इस तरह की गतिविधियों को आगे ना बढ़ने के लिए? देखिए गौरव जी, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जी। कि जैसे सिमी एक संगठन था पहले, उसकी गतिविधियां आतंकवादियों के साथ लिप्त पाई गईं, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और उनके लोगों को गिरफ्तार किया गया जी। उसके बाद PFI पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है, ये सामने आया कि हम मुसलमानों के लिए काम करते हैं जी। और ये बात सत्य है कि जो सिमी में काम करते थे वो लोग इससे जाकर के PFI से जुड़ गए और इनके पदाधिकारी उनके संगठन से जुड़ गए। अब दिक्कत ये आती, जैसे NRC जब ये हुआ कि NRC लागू किया जाएगा तो उसके धरने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका PFI की है, शाहीन बाग का हो चाहे कहीं भी देश में धरना प्रदर्शन हुआ वो PFI के नेतृत्व में हुआ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो भी इंटेलिजेंस है या पुलिस है,
वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं, उस पर सरकार का दबाव नहीं रहता। जी बिल्कुल। और जो सरकारें पहले रही वो चाहे सीबीआई हो उनको कंट्रोल में रखती थी, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो तो मुख्यमंत्री आवास से उनको गवर्न किया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये स्वतंत्र हैं, और जो भी एजेंसी राष्ट्रद्रोह का काम करती है चाहे वो मुस्लिम की हो या हिंदू समाज की हो किसी की भी हो, जी बिल्कुल, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रद्रोही कार्य जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी जो गिरफ्तारियां बताई, जैसे 13 से 15 राज्यों में छापे पड़े और 106 लोग गिरफ्तार किए गए, और सबसे बड़ी बात है कि इनको फंडिंग कहां से आ रही, क्या भारत के लोग इनको फंडिंग कर रहे हैं या विदेशों से फंडिंग हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इनके खातों को सीज करना चाहिए। समर भाई, खाते सीज हुए हैं? खाते सीज हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, खाते सीज हुए हैं और खाते सीज होने के बाद इसकी जांच होनी चाहिए कि वो पैसा कहां से आया। जी। दूसरी चीज ये है कि मैं अपने योगी जी और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, ये आपके चैनल से ये आग्रह करूंगा कि क्योंकि आतंकवादी का कोई भी धर्म या मजहब नहीं होता, वो सिर्फ आतंकवादी होता है। ये आतंकवादी गतियों में जो भी पाए जाए इनके साथ इनको सीधी सीधी, क्योंकि हमारी शरीयत में भी है कि जो भी इस तरह की देशद्रोही करता है उसको सीधे सजाए मौत देनी चाहिए और इनको अपने अपने कब्रिस्तानों में जगह नहीं देनी चाहिए। अच्छा। और जो लोग इनकी मुस्लिम अगर है, अगर उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि वो भी उसके विचारधारा से जुड़ा हुआ है और वो भी उनको मानता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए कि आप इसकी नमाज जनाजा एक आतंकवादी के क्यों पढ़ा रहे हैं। ये संगठन ने मांग भी कर लिया, अमित शाह जी चिट्ठी लिखकर उनसे कहा है इस पे बैन किया जाए, मांग भी आ गई आज। बैन तो देखिए पीएफआई का संगठन ये है, मैं तो जानता हूँ जो भी मुस्लिम संगठन है इनके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया गया है जी। उस मंत्रालय से तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं और उन योजनाओं का लाभ मुसलमानों तक नहीं पहुंचता। क्या ये संगठन उसके लिए संघर्ष करते हैं? अच्छा। कि अधिकारियों से लड़ाई लड़के मुस्लिम समाज को उसका पूरा लाभ दिलाने का काम करते हैं? ये मुझे, मैंने जहां तक पीएफआई को देखा है ये सरकार के खिलाफ काम करती जी। और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये सब तथ्य सबूत में आते हैं तो इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इनके जो भी पदाधिकारी हैं इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इनके खिलाफ सख्त पहले भी कई कार्रवाई हुई है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, पहले भी चार्जशीट दाखिल हुई है हमारे साथ। मुकदमे जो दर्ज हुए वो ढिलाई हो रही है। अच्छा। तुरंत फैसला आपके ढिलाई के खिलाफ जी। ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी नितिन भाई जुड़े हुए हैं। नितिन भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं, हमारे साथ सहजल भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सहजल भाई, कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई पे क्या कहेंगे? भाई, कार्रवाई होनी जरूरी है क्योंकि जो देश के खिलाफ है उस पर कार्रवाई होनी लाजमी है। और निश्चित रूप से यहाँ पर सभी पार्टियों को, सभी लोगों को राष्ट्रहित की बात को रखते हुए कार्रवाई की यहाँ पर स्वागत करना चाहिए, क्या मानते हैं? देखिए मेरा ये कहना है कि कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा बड़ा नहीं। जी बिल्कुल। देश एक नंबर पे है, उसके बाद ही सब। एक आता है अल्पसंख्यकों की सेवा कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को मजबूती दे रहे हैं। कोई कहता है हम किसी समाज की बात करते हैं, हम यादव को मजबूती दे रहे हैं, कोई ठाकुर को मजबूती दे रहा है। तमाम संगठन बना के लोग अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। अच्छा। उसमें कुछ अच्छे भी होंगे लेकिन ज्यादातर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं वो लोग अपना मकसद पूरा करते हैं। जी। पीएफआई का जहां तक सवाल है, पीएफआई आज से कई साल पहले ही ये हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों के रडार पे आ गई। मेरा ये कहना है कि जब कई साल पहले राडार पे आ गई तो अभी तक क्यों इंतजार किया गया एक्शन लेने का? क्या किसी खास वक्त का इंतजार था सरकार को जी, या मौजूदा सरकार हर चीज में राजनीति करना चाहती है? तो इसमें कौन सी राजनीति कर दी भाई? देश से की सुरक्षा बड़ी है कि उनकी राजनीति, इसमें कौन सी राजनीति कर दी? इसमें मेरा सवाल है सर। हाँ।
केरल केरल में सबसे ज्यादा 39 पकड़े गए, 39 पकड़े गए भाई, गिरफ्तार किए 39 लोग आपने बताया सर ना जी। मेरा यह मानना है, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आज की डेट में जब से राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं अच्छा तब से तमाम भाजपा के लोग, भाजपा सरकार कुछ न कुछ ऐसा इशू लेके आ रहे हैं अच्छा। कि देश की जनता को, देश की टीवी को अच्छा। देश के सारे शहजाद भाई को उनकी न्यूज से एनआई कार्रवाई तो कुछ महीनों से चल रही है, यात्रा तो राहुल गांधी 7 सितंबर से निकाले हैं, कुछ महीनों नहीं कुछ सालों पहले ही हो जाना चाहिए था अच्छा। ये आज से पीएफआई पे चर्चा हो रही है, अभी भाजपा के भाई साहब ने बताया कि सीएनआरसी में भी इनका हाथ था, आपने बताया तमाम और दंगों फसादों में इनका हाथ, चार्जशीट लगाई गई है तो कार्रवाई सामने है, प्रमाण है तभी कहा है, बिना प्रमाण के नहीं कहा है। नहीं तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी ना सर, मैं कार्रवाई हुई है, गिरफ्तार हुए हैं, ये कार्रवाई बड़ी कार्रवाई, पहले भी कार्रवाई हुई है जी। आज 106 लोग गिरफ्तार हुए हाँ। अगर ये इन्वॉल्व थे कहीं देश छोड़ के भाग जाते तो कैसे गिरफ्तार होते ये अच्छा। अगर देरी है लोन की अच्छा, मेरा ये कहना है एक्शन सख्त से सख्त होना चाहिए अच्छा, जो कानून के हिसाब से सजा उनको मिलनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई में कहीं ना कहीं मुझे केंद्र सरकार या भाजपा अरे आप इसको राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं भाई, इसका राजनीति की तरफ क्यों ले जा रहा है, कार्रवाई कर रहा है, कार्रवाई होने दीजिए, इतना आप स्वागत भी कर रहे हैं जगह बोल रहे हैं कि जानबूझ के कर रहा है, ये कौन सी बात हुई भाई शहजाद भाई, भाई देश तो सबका है ना सर, ये बताइए जी कोई क्रिमिनल है उसकी जानकारी जांच एजेंसी को मिल गई, पुलिस को मिल गई, क्रिमिनल नहीं आतंकवादी है, क्रिमिनल नहीं आतंकवादी घटना है, क्रिमिनल अलग होते हैं, क्रिमिनल करती उस पे एक्शन लेते हैं, क्रिमिनल की परिभाषा अलग है, इन लोग ये लोग इंतजार करते हैं कि जब सही समय आएगा, अभी कौन समय है भाई, कहीं ना कहीं अभी कौन सा समय आया है, करना होगा अभी समय कौन सा है, राहुल गांधी पदयात्रा समय आ गया इसलिए, मेरा ये मानना, मेरा एक शक है ये अच्छा, आप एकदम शक है आपका कर सकते हैं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, शक बनाए रखिए, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर ग्रुप में आमिर भाई जुड़े हुए हैं, आमिर भाई यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और इसके पहले भी लगातार कार्रवाई हो रही है, कुछ महीनों से कार्रवाई लगातार चल रही है, इसके पहले भी कार्रवाई हुई है और गिरफ्तार भी किए गए, चार्जशीट भी दाखिल हुई है और जो प्रमाण मिले हैं विभाग को, पुलिस को, उन प्रमाण के आधार पर हमेशा कार्रवाई होती चली है। हाँ, आज की कार्रवाई संयुक्त कार्रवाई है और बड़े स्तर की कार्रवाई है, 15 राज्यों में कार्रवाई, 106 लोग गिरफ्तार, किस तरह देखते हैं, क्योंकि शहजाद भाई कहना है कि यहाँ पर राजनीतिक मंशा के लिए यहाँ पर जो यानी समय निर्धारित किया गया कार्रवाई के लिए, पहले कर लेनी चाहिए थी कार्रवाई, क्या मानते हैं? बहुत शुक्रिया गौरव जी कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया जी। देखिए सच्चाई जो हमारे प्रवक्ता बीजेपी के या जो कार्रवाई चल रही है एक बड़ा षड्यंत्र है जी, कुल मिलाकर के एक कड़वा सच ये है कि ये मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब एक नौटंकी चल रही है। कौन चल रहा है बता दीजिए भैया, मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं, आपने रोजगार दिया, स्वास्थ्य दिया, आमिर जी मूल मुद्दा बता दीजिए, बता तो रहे हैं, झेल लीजिए थोड़ी देर के लिए, बर्दाश्त कर लीजिए, आपको हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमें बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, बर्दाश्त तो आपको पूरा देश कर रहा है, मालूम है आपको हैजा बोलने का बहुत है लेकिन बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है बता रहा हूँ, बर्दाश्त कर लीजिए थोड़ी देर, हो गया बोलिए, हम बोल सुन लीजिए सपाद जी, मैंने आपको बहुत खामोशी सुना है, आपके बहुत शरीयत के आप बड़े पाबंद है मुझे ये भी मालूम है, ठीक है सुन लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, अरे सवाल भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, सवाल भाई अरे हो गया सफर भाई, डिग्री मिलती है सफर भाई, फर्जी डिग्री कहाँ लेके आ रहे,
मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से पैदा हो गए आप? हाँ बताइए, मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से पैदा हुए? शब्द मर्यादा रखे, शब्द मर्यादा रखे जाए, शब्द मर्यादा रखे। मुस्लिम स्कॉलर कहाँ से पैदा हुए बताइए? अमर भाई निकल के आए, अमर भाई शब्द मर्यादा रखे, निकल के आए समर भाई, समर भाई आपको इस्लाम की कितनी भाई बताइए, कितनी समर भाई, समर भाई कितनी सूरतों का मुद्दा, समर भाई, समर भाई कितनी कितनी इस्लामी किताबों का मुद्दा दिया। अबे तू कितनी बड़ा इस्लामी किताब है गौरव जी, आप फर्जी आप कुरान पढ़े जानता है कुछ नहीं पे? अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे भाई अपनी मां का मरिया ना, मरिया ना, मरिया ना, मरिया ना, मरिया ना। शब्द मर्यादा रखे, शब्द मर्यादा रखे, शब्द मर्यादा रखे जाए, शब्द मर्यादा, इस तरह की बात भाई अमर भाई, शब्द मर्यादा रखे, समर भाई, समर भाई आपको इस्लाम की समर भाई कितनी, समर भाई, समर भाई कितनी सूरतों का मुद्दा, समर भाई, समर भाई कितनी कितनी इस्लामी किताबों का मुद्दा दिया। अबे तू कितनी बड़ा इस्लामी किताब है गौरव जी, आप फर्जी आप कुरान पढ़े जानता है कुछ नहीं पे? अरे हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अरे भाई अपनी मां का मर्यादा क्या आ गया, मर्यादा 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 हो गया, हो गया, अमर भाई हो गया, 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 जवाब दीजिए आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम स्कॉलर किस मदरसे से पैदा हुए, ठीक है, हो गया, मदरसों में आलिम निकलते मुफ्ती निकलते हैं, किस मदरसे से निकल के आए? सफार भाई मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया बारी बारी से बोलने का मौका दें। गौरव जी, जी गौरव जी, जी बोलिए, मैं एक बात कहूंगा जी, मेरी मेरी एक बात सुन लीजिए, सुनाइए। ये मुस्लिम स्कॉलर है जी, इन्होंने मुझे आपके चैनल पर गाली बक्की है जी, मैं इनसे अरबी का एक श्लोक पढ़ने जा रहा हूँ जी, ये मुझको इसको इसका तर्जुमा, तो भाई आप बीच में मत बोलिए भाई, मेरी मेरी डिबेट की भी मर्यादा है, मर्यादा को भंग मत करिए, डिबेट की मर्यादा से भंग मत करिए। इन्होंने नेशनल चैनल पर मुझे गाली बक्की जी, मैंने उनको भी कहा है, आपको भी कहा है, दोनों लोग यहाँ पर मर्यादा बना रहे हैं। गौरव जी डिबेट आगे नहीं बढ़ेगी जी, वरना मैं पढ़ने दूंगा, या तो मुझे हटा दीजिए डिबेट से। नहीं मैं आप इस आदमी को मेरे अरबी के श्लोक का तर्जुमा करना होगा। मेरा कहना यह है, मुस्लिम टीवी पे आकर मुसलमानों को बदनाम करते हैं जी, ठीक है, बदनाम तुम कर रहे हो, तुम्हें गौरव जी जब तक ये तर्जुमा नहीं बताएगा मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा, ठीक है, ऐसे बदतमीजों के साथ मैं डिबेट नहीं बैठूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबर भाई ठीक है, गजेंद्र भाई अपनी बात, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, समर मैं अभी लेता हूँ आपको, अभी अभी आपकी बात लेता हूँ, अभी श्लोक का मुद्दा नहीं है, मुद्दा श्लोक का नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं डिबेट से बाहर चला जाऊंगा, क्या मतलब बोले बोले क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए बोले क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, पहले सब लोग शांत हो जाइए, बोलिए बोलिए, अगर ये मुस्लिम स्कॉलर है जी तो ये अरबी के इसका तर्जुमा करके दिखाए जी, चलिए बोलिए जल्दी बोलिए, वरना ये फर्जी स्कॉलर है, मुझे बताए किस मदरसे से निकल कर, ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आमिर साहब इसका तर्जुमा करिए जी, नहनु नजरिबु सुरीनुका जी, चलिए इसका तर्जुमा करिए, आप ही कर दो, आप बहुत बड़े विद्वान हो ना, करो आप, मैंने कहा नानो नदरीबु सुरीनुका, इसका तर्जुमा करिए, बड़े विद्वान हो, अभी हम तुमसे भी पूछेंगे, आप मुस्लिम स्कॉलर है, इसका तर्जुमा करिए, हम तुमसे भी पूछेंगे, तुम्हें यही एक आज याद होगी, लेकिन हम तुम्हें 500 गौरव जी इनसे कहिए तर्जुमा करें, पहले इसका तर्जुमा करो, गौरव जी इनसे कहिए तर्जुमा करें, पहले तुम ही तर्जुमा करो, नानो नदरीबु, गौरव जी सभी को सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, इसने मुझे गाली बकी, सफर भाई, सफर भाई, सफर भाई मेरा कहना है, इस बदतमीज ने, इस बदतमीज ने नेशनल चैनल पर नहीं सुनिए भाई, डिबेट की मर्यादा बनाए रखिए भाई, आप लोग बहुत बड़ा विद्वान, अमर भाई, अमर भाई डिबेट की मर्यादा बनाए रखता हूं, मेरा कहना यह है, इसने गाली बकी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुना है, मैंने उनको कहा भी है, फर्जी मुसलमान है, नहीं मैंने मेरे को कहा भी है, सुनिए फर्जी मुसलमान है, फर्जी स्कॉलर है, क्योंकि मदरसे से भाई किसी पे आप पर्सनल मत बोलिए, पर्सनल मत बोलिए, कोई फर्जी है कोई नहीं, चल ठीक है, हो गया, हो गया, अरे और लोग भी जुड़े हैं भाई, और लोग जुड़े हैं, ठीक है, करती रहेगी, ठीक है, ठीक है, सफर भाई, सफर भाई हो गया, सफर भाई और लोगों रहने दे, चलिए गजन भाई बात करिए जी, बोलिए जी, बोलिए विषय बिंदु पर रहने की आवश्यकता है, गजन भाई बोल रहे हैं, सफर भाई सुन लीजिए,
और गजेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं, जबार भाई सुन लीजिए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, मुस्लिम स्कॉलर है तो उसका तर्जुमा बताएं। ठीक है ठीक है, आगे आगे सुन लेंगे मुद्दा अलग है। और नहीं आगे नहीं, अभी सुन लेंगे, पहले जबार भाई, जबार भाई डिबेट का मुद्दा अलग है, और आप भाजपा की तरफ से पत्र रख रहे हैं, यहाँ पर पर्सनल फिर कभी जानकारी ले ली जाएगी, मिला के बात कर ली जाएगी, कोई इशू नहीं है जी। नहीं नहीं, फर्जी मुसलमान आकर के देश का, अरे भाई पर्सनल टिप्पणी मत करिए, फर्जी मुसलमान है, टिप्पणी मत करिए, फर्जी स्कॉलर है ये, चले ठीक है, ये फर्जी मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी देखा जाएगा, उसकी भी देख लिया जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ये मुसलमानों के खिलाफ टीवी पर आकर के भड़काने का काम करता है। अरे भाई डिबेट, अगर आप लोग डिबेट में जुड़े हुए हैं, अरे सपाल भाई गजेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं, सपाल भाई गजेंद्र त्रिपाठी बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए, गजेंद्र भाई बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं सुनने दूंगा, मैं या तो मुझे निकाल दीजिए। अरे भाई आप भाजपा से अपना पक्ष रख रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप, मैं भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित सपाल भाई, मुझे ये जवाब देते इतने गाली क्यों बकी आपने चैनल पर। अरे भाई उनको भी कहा गया, आपने भी तमाम बातें कही, बात उस बात को सुन लीजिए, हम लोग लोकतंत्र इससे पूछिए, मदरसे से आने निकलता है, निकलता है, ये मुस्लिम स्कॉलर कहां से डिग्री लेकर के आया? ठीक है, आप उनका पूछूंगा ये फर्जी विषय है, आज का जो मूल विषय है जी, उस पे हम लोग आए, पहले बात ना करें, सहयोग करिए आप लोग। सबसे महत्वपूर्ण है कि एनआईए की छापामारी जी और पीएफआई, देखिए इस राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी तमाम संगठन जी कार्य कर रहे हैं जी। पहले सिमी था, सिमी के ऊपर जब पाबंदी लगी तो उसके बाद ऐसे कई संगठन जी जन्म लिए और कई स्लीपर सेल के रूप में कार्य कर रहे हैं जी। राष्ट्र में जब भी ऐसे संगठन आते हैं उनके ऊपर हमारी जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, और जब भी कोई मुद्दा मिलता है तो सरकार उस पर कार्य करती है। हम लोग राजनीतिक रूप से अलग हो सकते हैं, विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे पर हमको एक होकर के ही बात करनी पड़ेगी। और इतनी बड़ी छापामारी हुई जी, लेकिन कुछ लोग मुसलमानों की बात करते हैं। अच्छा, जबकि हमारे देश में केरल छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य का मुसलमान सड़क पे नहीं आया, केरल में भी छुटपुट घटनाएं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, समझदार है। तो मुसलमान भी समझता है कि ये राष्ट्र विरोधी जी संगठन है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्योंकि वो इतना लांछन उसके ऊपर लगाया जा रहा है राष्ट्र में कि वह राष्ट्र विरोधी है। भाई सारे मुसलमान राष्ट्र विरोधी नहीं है जी, एक आध दो की गिनती में जब कोई आता है। अब आज के डेट में हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस मंच पर हमें उसके समर्थन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। पीएफआई के वह एक आतंकवादी ही संगठन है, और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इसके ऊपर बैन बहुत पहले लग जाना चाहिए था। महोदय आप सरकार के प्रवक्ता हैं, और सरकार के प्रवक्ता होते हुए आपने यह बात कही, यह सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार सोचे कि इसके ऊपर अभी तक पाबंदी क्यों नहीं लगी। अगर कोई आप देखे, अगर झारखंड में पाबंदी लग सकती है जी, तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं लग सकती। अगर मैं गलत हूं उत्तर प्रदेश में तो मैं गलत बिहार में भी हूं, मैं दिल्ली में भी गलत जी, मैं अपने देश के किसी भी भूभाग पर गलत हूं जी। तो यहां सरकार की नाकामी है जी। अच्छा, एजेंसियां सरकारी एजेंसी हैं, उनको रेगुलर उनके ऊपर जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है वह उस पर कार्य करती है। ठीक, सरकारी एजेंसियां अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन सरकार की विफलता आपके शब्दों से ही मिला है। अच्छा, आपने एक्सेप्ट किया है कि इनके ऊपर बहुत पहले पाबंदी लग जाने चाहिए। तो ये सजर भाई बोल रहे हैं कि जानबूझ के ऐसा समय रखा गया है। देखिए, मैं हम क्या कह रहे हैं, हमें इस पर सोचना है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या प्रश्न है। प्रश्न यह है कि एक आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई हो रही है जी, और
मुस्लिम समाज इस बात को समझने का प्रयास करे जी कि यह कोई आप प्रयास कर तो रहा है भाई, रहनुमा नहीं है, प्रयास किया है भाई, कहीं पे भी जाना ये नहीं सारे है। हमारे देश के मुस्लिम अपने अपने स्थान पे बैठे हैं और सबको मालूम है, सबसे पहले वो भारतीय हैं, सबको मालूम है कि ये एक आतंकवादी संगठन है और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये एक्सेप्टेंस हमारे समाज में सबके ऊपर ठीक है। ठीक है, तो सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इस मंच पर एक्सेप्ट किया है कि सरकार की नाकामी है, इसको बहुत समय पहले इस संगठन को बैन कर देना चाहिए। नहीं, बैन करने की मांग की गई थी, पर कुछ तथ्य और प्रमाण चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने अभी आपसे बोला कि अगर मैं लखनऊ में गलत हूं तो कानपुर में सही कैसे हूं जी, मैं गोरखपुर में सही कैसे हूं जी, तो मैं कह रहा हूं झारखंड में बैन है जी, तो पूरे देश में बैन होना चाहिए। ठीक है, समय लेते हैं। हमारे सभा भाई जवाब आपसे लेता हूं, हमारा प्रवक्ता सभा के रूप में नितिन भाई जुड़ चुके हैं। नितिन भाई, आपका बहुत स्वागत है। नितिन भाई, कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई पर विरोध जो देखा जा रहा है उतना ज्यादा विरोध नहीं, केरल में थोड़ा हालांकि छुटपुट विरोध हुआ है, कल PFI ने हड़ताल की बात भी कही है, क्या मानते हैं जो कार्रवाई हो रही है, राष्ट्र अगर द्रोह है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना लाजमी है, पर कांग्रेस के भाई का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है इसको समय विशेष यानी मुद्दों से भटकाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है, आमिर भाई का कहना भी ये है कि यहाँ मुद्दों से भटकाने के लिए कार्रवाई की जा रही है, ऐसे समय पर के मुद्दे भटक जाए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे उनको चर्चा ना की जाए, क्या बोलते हैं? जी, मैंने सुना सबको, सच्चाई ये है कि ये देश संविधान से चलता है जी, कोई भी व्यक्ति जी, देखिए भारत का संविधान उसकी जो प्रस्तावना है जी, वो सबसे पहले कहती कि हम भारत के लोग जी, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जी, तथा उसके समस्त नागरिकों जी देते हैं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय जी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता जी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जी, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में जी, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता जी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़ संकल्पित होते हैं, ये हमारी समाज जो संविधान की प्रस्तावना है। अब बात आती है कि बहुत सारे NGO बहुत सारे संगठन बन जाते हैं ये, और देश की सरकारों के पास बहुत सारी एजेंसियां हैं जी, इतनी एजेंसियां हैं कि देश की का खुफिया तंत्र है, IU है, इंटेलिजेंस है, कोई भी संगठन क्या गतिविधि कर रहा है इसकी निगरानी सरकार और की एजेंसियां करती हैं जी। 8 साल से केंद्र में सरकार है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और 6वां साल उत्तर प्रदेश में चल रहा है जी। और ये संगठन जैसा कि बताया गया काफी लंबे समय से सक्रिय है, 2006 सक्रिय है, 2006 में बन गया था, कई सरकारें आई हैं, 2006 में बन गया था, कई सरकारें आई हैं राज्य में और राष्ट्र में भी। मैं जो बात कर रहा हूँ आज की बात मैं कर रहा हूँ, इसको सुन लीजिए मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, 10 साल पिछले 8 साल से केंद्र में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ सरकार है और देश के बहुत सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आज की डेट तक कोई संगठन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है और अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से ये सरकार की गैर जिम्मेदाराना और इसकी सरकार की असफलता है। अब बात करते हैं कि समाज के सभी व्यक्ति और सभी समुदाय ना तो गलत होते हैं ना सभी अच्छे होते हैं जी। हर व्यक्ति का एक माइंडसेट होता है तो यदि और ऐसा नहीं है कि पहली बार PFI के साथ इस तरीके की, आप बहुत समय पीछे चले जाइए तो आज जो सरकार में बैठे लोग हैं जी, इनका जो मदर संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी रहा, ये भी एक जमाने में आज के समय में जो इनके नेता हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने RSS को भी बैन किया था। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो वो बैन किया जाना चाहिए और सही है, अपनी गतिविधियां अपनी पारदर्शिता की क्लीन चिट देता है, अपने हलफनामे देता है कि मैं संविधान पर विश्वास करता हूं, तो निश्चित रूप से प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं, लेकिन आज जरूरत यह है कि सच्चाई क्या है। घटना कानपुर में हो जाती है, अभी तक एक्शन क्यों नहीं होते,
आज जब देश में एक चुनाव का माहौल बन रहा है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव आ गए हैं, देश के अंदर एक अतरा चल रही है, देश के अंदर एक सदन चल रहा है, तो जब इस तरीके का माहौल बन रहा होता है, देश में लोग महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे होते हैं, महिला उत्पीड़न की बात कर रहे होते हैं, तो ये सच बात है कि सरकार कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षण के लिए आपका मानना है समय देख कर कार्रवाई की जा रही है, चुनाव आ गए इसलिए निश्चित रूप ये अगर कहीं कोई गलत है, नहीं कार्रवाई करने का कोई समय नहीं होता है, लेकिन आप ये देखिए कि घटना आज क्यों कौन सी ताजी घटना हुई है, जब घटना होती है तो सरकार उसकी एजेंसियां कार्रवाई लंबे समय चल रही है, खाते खाते कुछ महीने कार्रवाई चली, खाते भी सीज हो रहे हैं, बिल्कुल जी, और कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, दोषी हो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, कहीं कोई क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, कानून व्यवस्था चलता है, और सरकार के पास कई एजेंसियां हैं, एक तो नहीं कई एजेंसियां हैं जिनका मात्र काम इतना है कि देश में कहीं देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई संगठन खतरा तो नहीं बन रहा है, देश के अंदर कोई गैर कोई आतंकी घटनाएं तो नहीं हो रही है, गेट के अंदर देश का माहौल बिगाड़ने वाली कुछ घटनाएं तो नहीं हो रही, इस तरीके की जहां भी कई घटनाएं हो रही है इसी के लिए तो सरकार होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसकी एजेंसियां सुरक्षा एजेंसियां ये सब इसी काम के लिए होती है, इसलिए कहीं कोई अगर ऐसी घटना है तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए, आपको भी सुनना पड़ेगा, डिबेट की यही एक तरीका है और तभी डिबेट सार्थक हो पाती है। खैर गजेंद्र भाई कुछ बोलना चाहते हैं, गजेंद्र भाई अपनी बात रखिए जल्दी। मेरा कहना यह था कि देखिए समाजवादी पार्टी ने कितना संतुलित तरीके से बात को रखा जी, कि निश्चित तौर से ऐसे ही राजनीतिक दलों को बात भी रखना चाहिए, वह जानते हैं कि अगर ऐसे टेररिस्ट ऐसे आतंकवादी संगठन अगर देश में सक्रिय रहेंगे तो लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे सवाल पर पूछने जा रहे थे एक मंच पर। मेरा सवाल सिर्फ यह था जो आपने कहा कि समय, देखिए किसी भी संगठन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए एजेंसियां हैं, सरकार नहीं जी, एजेंसी समय नहीं चूज करेगी जी, जिस समय उसको समझ में आएगा कि इस समय हमको यहां पर कार्रवाई करनी है, एक साथ 11 राज्यों में 15 राज्यों में 11 राज्यों से स्टार्ट किया इन्होंने, लाकर 15 राज्यों तक ले गए, 15 राज्यों तक कार्रवाई, मतलब कि बहुत गंभीर मुद्दा है जी, गंभीर विषय है जी, बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दा है ये, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते जी, बिल्कुल गंजी भाई, तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आप लोगों को मजबूती के साथ सरकार के साथ में खड़ा रहना चाहिए, ठीक है भाई, एजेंसियों का मनोबल कभी भी आप लोगों को टूटने नहीं देना चाहिए, ठीक है। सपर भाई अपनी बात रखिए, फिर सजर भाई की बात लेता हूँ, सपर भाई क्या कहना चाहते बताइए। गौरव जी जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि मैंने स्वीकार किया कि कार्रवाई लेट हुई, ऐसा कुछ नहीं है जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा जी, जब सिमी संगठन इस देश प्रदेश में सक्रिय था जी, तो सिमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हुई जी, लेकिन जो उसके गुर्गे थे वो इधर उधर भाग करके छुप गए जी, ठीक है ना, लेकिन हमारी सरकार का जो दिशा निर्देश एजेंसियों को था जी, कि पीएफआई से जुड़े हुए लोगों की जांच पड़ताल करिए कि कौन कौन कहां किस प्रदेश में कैसे जुड़ा हुआ है जी, इसकी वजह से समय लगा जी, और समय लगने के बाद जो इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जी, सरकार 105 राज्यों में छापे, वो सॉरी 105 13 से 15 राज्यों में छापे और 106 लोगों की गिरफ्तारी जी, जब से देश आजाद हुआ इतनी बड़ी गिरफ्तारी आज तक इस देश में नहीं हुई। अच्छा, ये गिरफ्तार करना और जांच करना जांच एजेंसियों का काम है, लेकिन ये हमारी सरकार की इतनी बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बड़ी संख्या में आज तक आजादी से लेकर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनसे पूछना चाहता हूँ जी कि ये राय ये उपलब्धि है इस देश की, और हमारी जो जांच एजेंसियां उनको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जांच की और तथ्य को सामने लाए और सरकार को दिया, और सरकार के दिशा निर्देश पर इतने राज्यों में छापे पड़े और इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई, इतने आतंकवादियों ऐतिहासिक कार्रवाई बोलेंगे जी, ये ऐतिहासिक कार्रवाई। अच्छा, यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी बैठे हैं, सपा के लोग भी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि कांग्रेस के राज में ऐसी कभी गिरफ्तारी हुई जी,
सपा के राज में मुजफ्फरनगर तो कह रहे हैं आपने, वो तो कह रहे हैं आपने चुनाव को डिक्टेट कार्रवाई की है, कांग्रेस वाले से बोल रहे चुनाव को डिक्टेट जो चुनाव देखिए ये राजनीतिक दल है इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। ये तो यही बताएंगे कि चुनाव के समय गिरफ्तारी कर रहे हैं तो चुनाव को मुद्दा बनाया जा रहा है। इसका चुनाव का मुद्दा नहीं, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। अच्छा। और ये आतंकवादी संगठन इनके ऊपर कार्रवाई इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं, ये एक आतंकवादी संगठन के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई है। ठीक है ठीक है, जिस तरह ठीक है जिस तरह पाकिस्तान में घुस के मारा गया उसी तरह देश के अंदर जो गद्दार छुपे थे उनको निकाल करके मछली का जाल जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है ये भी, बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक है ये, देश के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक है। अच्छा। और इस तरह की स्ट्राइक अब और होती रहेगी और विरोधी यही कहेंगे कि चुनाव के समय क्योंकि इनको देश में नहीं बताया इनका वोट बैंक खटक रहा है, अगर ये हमदर्दी नहीं करेंगे तो इनका वोट बैंक खटक जाएगा। ठीक है ठीक है, सवाल भाई आपकी बात पूरी होगी, उम्मीद करूंगा आप भी सभी लोगों की बात बहुत शांति सुनेंगे, मैं आपसे बड़ी मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ। ठीक है, लेकिन इस बदतमीज आदमी को आप बाहर निकाल दिए या तो मेरे पर्सनल कमेंट नहीं कर दे, सफर में पर्सनल कमेंट नहीं, सभी सभी हमारे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल इसने गाली बकी आपके चैनल पर, तमीज कौन है पूरा देश देख रहा है, तू इतना बड़ा बदतमीज है, चैनल पर गाली बकी इतना बड़ा बदतमीज है पूरा देश देख रहा है। ठीक है ब्रो, ठीक है, जितने पैनलिस्ट बैठे वो भी जान रहे तू कितना बड़ा बदतमीज है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है ठीक है ना, ठीक है शेजार भाई अपनी बात रखिए, शेजार अपनी बात रखिए। अरे फर्जी स्कॉलर तेरी डिग्री कहाँ की है बताएगा इस देश चलो को? वो मुद्दा के लिए उठा लिया जाएगा भाई, बताओ तुम्हारी डिग्री कहाँ से आई गौरव जी, फर्जी मुसलमान से पूछिए भाई। शेजार भाई, शेजार भाई बात रखेंगे, शेजार भाई की बात, हमारे सम्मानित प्रवक्ता है जी जी, शेजार भाई बोलिए। इन्होंने जो भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता इन्होंने अभी कहा, इससे पहले इन्होंने बोला था कि जांच एजेंसियां हमारी फ्री हैं, वो अपने से जांच करती हैं। अभी इन्होंने अपनी पीठ थपथपाई भाजपा सरकार की पीठ थपथपाई, बता रहे हैं मैं बता दूं मान्यवर सर सुन लीजिए, अब आप सब बोलते हैं तो यही तो गलत है, अब आप सुनेंगे नहीं, हमारी सरकार में कोई मंत्री जो है किसी एजेंसी के ऊपर दबाव नहीं डालता कि इनको छोड़ दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आतंकवादी आतंकवादी होता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, हमारी आतंकवादी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे सुनिए, आप जो सर्टिफिकेट भाजपा के लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं, भाजपा के लोग सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, सुनेंगे नहीं, प्लीज सुन लीजिए बात। देखिए मेरा ये कहना है कि जब से भाजपा सरकार 8 साल से केंद्र में है, मैंने ये सवाल उठाया कार्रवाई लेट हुई, 8 साल से आप क्या कर रहे थे जी? आज का दिन क्यों उठाया जब राहुल गांधी जी केरल में पदयात्रा, राहुल गांधी की उनकी यात्रा 7 नवंबर शुरू हुई है, उसके पहले भी कार्रवाई हुई है जी, आप जी यार मैं अपनी बात रख रहा हूँ, आप लोग को तकलीफ हो जा रही है, नहीं मुझे तकलीफ नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ सर, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, अपने कहीं और घुमा दे रहे हैं, बोले 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 बोले, अगर अब मेरा व्यू सुनना बोले 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 सजर भाई सुनिए बोले बोले, मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा सरकार केंद्र की सरकार चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो उसका मिसयूज कर रही है कि नहीं कर रही, उनपे तमाम ब्लेम लगे हैं कि नहीं लगे, नहीं कर रही है, सबूत दीजिए आप, क्या विपक्षियों के खिलाफ कितने राजनीतिक दल है, क्या भाजपा के ऊपर आपत्ति नहीं लगी, तमाम घोटालों की आपत्ति लगी, सीबीआई ईडी कहाँ थी, अखिलेश जी अखिलेश तमाम सरकारों के विधायकों को खरीदने का आरोप लगा, सीबीआई ईडी कहाँ थी, तब मसले पे जब भाजपा की बात होती है तो सीबीआई ईडी सो जाती है, दूसरे दल बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि सवाल उठता है देश नहीं नहीं सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए, बारी बारी बोली बारी 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 पर्सनल कमेंट नहीं, 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 अरे सवाल भाई मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, क्या ईडी की नोटिस मुद्दे पे आ रहा है साहब, आपके चैनल पे गाली दी जा रही है, मैंने सब विरोध किया है, मैंने विरोध किया है सवाल भाई, मैंने विरोध किया है, मैंने भी विरोध किया है, मैंने भी कहा है, माफी मांगे तो ओरिजिनल सार्वजनिक माफी मांगे जी, इससे पहले माफी मांगे जी।
माफी मांगे वरना मैं बोलने नहीं दूंगा। तो ओरिजिनल मुसलमान हो गया, हो गया तो ओरिजिनल मुसलमान नहीं हो, कैसे दिया दोनों नहीं हो, कैसे दिया सफा चल ठीक है। अमर भाई, अमर भाई मुसलमानों को आप टीवी पे बुलाते हैं? नहीं सुनिए, बुलाइए मौलाना खालिद रशीद को। चले ठीक है ठीक है ठीक है, मौलाना बुलाइए मौलाना खालिद रशीद को, बुलाइए मौलाना खालिद को, आपको उनको बेइज्जत करो, बुलाइए दो जी। ये फर्जी मुसलमान, फर्जी कमर का डिग्री लेके बेइज्जत करो। अरे भाई किसी पे पर्सनल कमेंट मत करिए भाई, इनका इनका काम है बीजेपी के मुसलमानों को। अरे ठीक है भाई, डिबेट के डिबेट के मर्यादा डिबेट को खराब मत करिए भाई, मेरी डिबेट है, डिबेट को खराब मत करिए प्लीज 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 प्लीज। मैं आप लोग निवेदन करता हूँ, डिबेट को खराब मत करिए प्लीज प्लीज। आपके चैनल पर इस वक्त निकाली थी, मैंने सुनी, मैंने उनको भी कहा है लगातार कमेंट बाजी चल रही, प्लीज कमेंट मत करिए, पर्सनल कमेंट मत करिए भाई प्लीज। मैंने गाली नहीं बकी, नहीं मैंने मैंने सुना है, मैंने उनको कहा है और आपके सामने कहा है मैंने, और ये दोबारा घटना हुई तो मैं डिबेट खुद खत्म कर दूंगा। या तो मेरे श्लोक का तर्जुमा बताएं, अगर ये मुस्लिम है तो मेरे श्लोक का तर्जुमा बताएं। ओ विद्वान चुपके बैठ जाओ। चलो ठीक है, हो गया हो गया हो गया भाई, डिबेट इतना अच्छा मुद्दा है, इतना अच्छी चर्चा विषय है, यहाँ पर सभी लोग राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के मुद्दे पे आप लोग इस तरह पर्सनल कमेंट कर रहे हैं, बहुत खराब है, बहुत खराब है। मेरी सरकार आतंकवादियों को नहीं छोड़ेगी, ये प्रदेश की ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो और लोग जोड़ने की गाली बक्की गौरव जी, ठीक है इससे कहिए सार्वजनिक माफी मांगे। चलिए ये फर्जी मुसलमान माफी मांगे, ये फर्जी मुसलमान फर्जी कलर कहाँ से आ गया, ये चले ठीक है, वो अपनी बात के लिए किस मदरसे से डिग्री, बिल्कुल अपनी नहीं है। अब गौरव जी ये मेरा अपमान है, अब मेरे भाई सवाल भाई आपका अपमान है, तो वो मैं उनसे क्षमा करवा देता हूँ, पर कम से कम आप सुनिए गौरव जी ये मेरा अपमान है, ठीक है मैं उनसे गौरव जी मैं उनसे करवा देता हूँ। पूरे देश ने आपके नेशनल चैनल पर सुना की आदमी ने मुझे गाली बकी है फर्जी मुसलमान, नहीं या तो ये बताइए डिग्री कहाँ से लेके आया, ये डिग्री कहाँ से लेके आया बताइए। वो डिग्री मुद्दा नहीं है आज सपा भाई, मुद्दा आज अहम है, मुद्दा राष्ट्र का है, मुद्दा राष्ट्र का है। गौरव जी मेरी सरकार किसी भी आतंकवादी को नहीं छोड़ेगी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये चाहे कार्रवाई होगी चाहे देर से हो सवेर से हो कार्रवाई होगी, टीवी पर के चैनल पर गाली बकी, ठीक है ठीक है ठीक है। तुमने राहुल को बकवास किया, धर्म का आदमी है वाले, मुझे तुम देश का प्रधानमंत्री है, तुम सब पीड़ित लेके आए हो, अबे तुम्हारी औकात है उसको बप्पू कह रहे हो, चलो ठीक है डिग्री लेके आए, राहुल गांधी को बप्पू कह रहे हो, देश का प्रधानमंत्री माफी तू मांग, गौरव जी अब तो ये माफी मांगे या इस देश का प्रधानमंत्री डिग्री कहां से लेके आए भाई। आप मर्यादा सबको बप्पू बना कर मर्यादा बना रखे, मर्यादा बना रखे, मर्यादा बनी है, ठीक है ठीक है, हो गया 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 हो गया। नितिन भाई अपनी बात रखिए, नितिन भाई बोलिए, नितिन भाई बोलिए, सपा भाई सपा भाई बोलिए, सपा भाई बोलिए, ये मुस्लिम स्कॉलर कहां से बन गया जी, वो ये कितनी किसी ने पर्सनल मुलाकात करा दूंगा आपको, बात कर लीजिएगा, डिबेट खराब मत करिए, प्रधानमंत्री को कौन सी कुरान की तफसीर पढ़ के आया है, तेरी मुझे बताइए, चलिए ये बताइए जी, ये फर्जी मुसलमान बताइए, सपार भाई की इनकी आवाज डिग्री कहाँ से ले, अरे भाई डिबेट खराब मत करिए भाई, नितिन भाई बोलिए बोलिए, डिबेट खराब नहीं कर रहा हूँ गौरव जी, गौरव जी ये बहुत अहम मुद्दा है, आप हुसैन जी की आपकी आवाज कम करवा दीजिए, फर्जी मुद्दा फर्जी फर्जी अरे यहाँ नहीं बैठते, सब जगह बैठते सपार भाई, अब कम से कम मेरे ऊपर प्रश्न उठा है, सब जगह बैठते हैं वो मुस्लिम स्कॉलर, कुछ करता है बोलिए, नितिन भाई बोलिए, ये मुस्लिम अरे भाई बोलिए बोलिए करवा दीजिए, ये कहां से डिग्री लेकर के आ गए, इनकी वॉल्यूम गिराया जाए सपार भाई का बोलिए, ए सपा इनकी आवाज कम कराइए, तब आगे दूसरे लोग बैठे हैं, आज इन्हीं के ना मुझको बोलिए, ऐसा है ये आदमी माफी मांगे वरना आज के बाद मुझे मत बुलाइएगा, ठीक है ठीक है बोलिए बोलिए, अब तुम अभी चले जाओ, तुम धन्यवाद गौरव जी, सपार भाई नाराजगी नहीं होनी चाहिए, डिबेट छोड़कर नहीं जाना चाहिए भाई, सफात भाई जी ऐसा है, अब आप छोड़ रहे हो, मुझे आपसे सवाल करना है जी, सवाल भाई छोड़ जाइए, मेरा सवाल आपसे करना है, नितिन भाई बोलना है सपा से, ये सरकार की कायरता है जी, ये सरकार की असफलता है और ये उनके प्रवक्ता की असफलता है कि ये लगातार अपना धैर्य खो रहे हैं जी, संयम खो रहे हैं जी, ताकि कोई जवाब सही देना ना पड़े, मेरा इनसे प्रश्न, इन्होंने अभी कहा कि हमारी सरकार आतंकवादियों के साथ दे, मैं पूछना चाहता हूं कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही सरकार चल रही थी, जितने इतने खूंखार आतंकवादी को प्लेन में बैठा करके कंधार छोड़ करके आई थी, आप किस आतंकी कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, आपने अभी अखिलेश जी का नाम लिया,
ये बताइए कि अब मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए, उप मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं, उन्होंने खुद वापस लिए कि नहीं लिए। इसलिए आप धैर्य से सुनिए और दूसरों पर भी उंगली उठाने से पहले अपने तरफ भी झांक करके देखिए। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ आप कहते हो कि एजेंसियां किसी के दबाव में नहीं चलती है, एजेंसियां स्वतंत्र है, दूसरी तरफ से आप पीठ थपथपा रहे हो अपनी कि हमारी सरकार ने आज कार्रवाई की। कब कार्रवाई करेगी ये एजेंसियां तय करेंगी, ये एजेंसियां तय नहीं करती हैं। एजेंसियां भी अंततः सरकार के अंडर में ही काम करती हैं और सरकार के इशारे पे काम करती हैं। जब तक सरकार तय नहीं करती है, एजेंसियां सालों आठ आठ साल तक एक चार्जशीट दाखिल कर पाते हैं और जब चुनाव आता है तो फिर से सम्मनिंग हो जाती है। इसलिए सरकारी दांव पे तो ना ही बताइए, हम लोग पेशे से अधिवक्ता है, जानते हैं कि कैसे कौन सी कार्रवाई की जाती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सारे मित्रों संयम बरतो, अपने अपने पक्ष को रखो, एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स मत करिए। कपड़े उतारने पे आएंगे तो सब एक दूसरे के कपड़े उतार लेते हैं। आप किसी और हमेशा बराबर के नेता पर की जाती है। नितिन भाई हमेशा जब ऐसे बीजेपी के नेता चले गए हैं डिबेट छोड़ के, काफी नाराज नहीं बैठे हैं, अभी बैठे हैं, नहीं चले गए, बैठे हैं सामने चले गए फोटो लगी हुई चले गए वो। अमर साहब, अमर भाई जुड़े, अमर भाई अपनी बात आप रखिए, बोलिए। देखिए गौरव जी, बात दरअसल ये है कि ये पर एक बार मानते हैं कि सब जो मर्यादा लांगी गई वो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए एक बात पहले ये समझिए कि हमने शुरुआत कर बात पूरी नहीं कर पाए थे, आपने मुझे मौका दिया था। देखिए ये एक षड्यंत्र है मुस्लिमों के विरुद्ध और ये एक तुष्टिकरण की राजनीति जो काफी सर से चली आ रही है। आपको याद होगा कि हजारों की तादाद में आतंकवाद के तहत मुसलमान बंद किए गए, दोष सीधा आज तक नहीं हुआ। मोदी सरकार जब से आई काफी की तादाद में, मैं साधुवाद देता हूँ मोदी सरकार को, काफी जो फर्जी आतंकवाद में बंद थे मुसलमान उनको छोड़ा भी गया है और आज भी किसी पर दोष सिद्ध नहीं है, आतंकवाद कह के बंद कर दिया गया। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, युवा वाहिनी, बजरंग दल, ऐसे तमाम संगठन देश के अंदर सक्रिय रहे। आप 1990 से अब तक का पूरा खाका देख लीजिए, सारे अखबार उठा लीजिए। और अच्छा, देश के अंदर अराजकता फैलाना कौन सी राष्ट्र, ये राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं, राष्ट्र विरोधी क्या वो पाकिस्तान का एजेंट तो नहीं है या वो अमेरिका का एजेंट तो नहीं है? आप भाई ISI का अगर कोई एजेंट है तब तो वो राष्ट्र विरोधी है। और अगर समाज में कोई मुस्लिम संगठन या कोई मुस्लिम कार्यकर्ता या कोई मुस्लिम नाम का व्यक्ति अगर अपनी आवाज उठा रहा है और अपनी बात रख रहा है तो वो गौरव जी राष्ट्र विरोधी नहीं होता है, वो देश विरोधी नहीं होता है। मुसलमान ये तो फिर तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन, फ्रंटल संगठनों में भारतीय जनता पार्टी ने खुद लाठियां चलाई पुलिस वालों के लिए। अच्छा। तमाम सबूत है, विधानसभा धरना देने आए पुलिस वालों को मारा, दरोगा औंधा पड़ा हुआ उसके ऊपर लाठी बज रही है, दरोगा के घोड़े को लाठी मारी, उत्तराखंड में घोड़ा मर गया। गौरव जी सुन लीजिए, पूरी बात हमारी हो जाने दीजिए। इस तरीके की तमाम तरीके की कार्रवाइयां भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में नहीं थी उसने की है। उत्तराखंड की घटना मुझे याद है, घोड़े को लाठी मारी, घोड़ा मर गया। यहाँ विधानसभा उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब तमाम भारतीय जनता पार्टी के दौराने आंदोलन प्रदर्शन तमाम पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। अब फिर इसको क्या कहेंगे आप? तो फिर अगर ये राष्ट्र विरोधी है तो फिर ये क्या है? NRCCA में जिन मुस्लिमों ने प्रदर्शन करा ये राष्ट्र विरोधी नहीं कहेंगे? ये मैं अपने हकूक की लड़ाई लड़ रहा था, चाहे वो मैं हूं या कोई संगठन हो, PFI हो। आज तक किसी मुस्लिम आम मुसलमानों ने किसी ऐसे संगठन का कतई और कतई हिमायत नहीं की जिस तरीके से हिंदू संगठन हिमायत करते हैं, बलात्कारियों के समर्थन में किसी मुसलमान ने एक मिनट गौरव जी पूरी बात सुनाइए। किसी मुसलमान संगठन ने बलात्कारियों के फेवर में जुलूस नहीं निकाला, किसी मुसलमान संगठन ने हत्यारों के फेवर में जुलूस नहीं निकाला, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जुलूस निकले बलात्कारियों के फेवर में निकले। सुबोध कुमार सिंह की हत्या, उसके हत्यारे छूट क्या, उनका स्वागत माल्यार्पण किया गया, उनके फेवर में जुलूस निकाले गए। कठुआ बलात्कार कांड हुआ उसके फेवर में जुलूस निकाले गए। कानपुर का सेंगर कांड हुआ उन्नाव का, उस बलात्कारी के फेवर में जुलूस निकाले गए। इस तरीके के अगर तमाम ये जुलूस, ये प्रदर्शन, ये धरना अगर राष्ट्र विरोधी है तो फिर ये भी राष्ट्र विरोधी है। वरना गौरव जी कोई मुसलमान अपनी बात के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने ईगो के लिए अगर कोई जुलूस निकालता है, प्रदर्शन धरना करता है तो ये राष्ट्रद्रोही और कदापि नहीं हो सकता। मेरी आपकी एक बार जवाब दीजिए, आपने कहा CNRC में ये हमारा हक है। हक क्या गाड़ी जला के मिलेगा? हक क्या बवाल करके मिलेगा? हक क्या पत्थरबाजी करके मिलेगा? आपका मानवाधिकार है अमर भाई, मेरे पास, मैंने आपके पास सुनी, मेरे आप सुनिए, आपका मानवाधिकार है। आप संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अपने हक के लिए लड़े, पर हक के लिए गाड़ी जलाना, हक के लिए पथराव करना, हक के लिए पत्थरबाजी करना, हक के लिए लोगों के साथ अभद्रता करना, इसका इजाजत आपको
कोई भी देश का संविधान नहीं देता है। जायज बात है, आप धरना करिए, आप प्रदर्शन करिए, आपको ये आपको मौलिक अधिकार है, आपका मानवाधिकार है, पर हिंसा नहीं होनी चाहिए। जायज बात है आपकी गौरव जी, लेकिन मैं आप मुझे बता दीजिए एनआरसी सीए में इसी हजरतगंज जिसको कहते हैं परिवर्तन चौक पर मुसलमान बहुत ही शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, अचानक पुलिस ने लाठी चलाई। उसके बाद जब देखिए जाहिर सी बात है कि जब एक्शन का रिएक्शन होता है, और जहां तक गाड़ी चलाने वाली बात है गौरव जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं किसी मुसलमान ने कोई गाड़ी नहीं जलाई। अच्छा। जो गाड़ियां जली पुलिस ने खुद जलाई है, उसके तमाम वीडियो सीसीटीवी फुटेज खंगाल लीजिए मौजूद है। और आज भी इसी लखनऊ के अंदर अमन शांति है, लेकिन अभी चंद दिन पहले हिंसा कानपुर की हिंसा के बाद इसी टीले वाली मस्जिद पे पुलिस ने 200 युवाओं का पोस्टर लगाया था। क्या मतलब था इसका? उन पुलिस आम तौर से मैं देख रहा हूं इधर कि पुलिस मुस्लिम युवाओं को अपराधी बनाने का घृणित कार्य कर रही है। गौरव जी जिसकी भी जितनी भी निंदा की जाए, मदम्मत की जाए, कम है। मैं इसमें बेहिचक और पूरी जिम्मेदारी से मैं अपनी बात रख रहा हूं, अपनी बात कह रहा हूं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। अब इसको चाहे मुझे कोई सांप्रदायिक कहे या कुछ कहे, लेकिन मेरे पास सारे सबूत है कि पुलिस ने सारा माहौल बिगाड़ा। अमर भाई, जो मर्यादा पूर्ण बात, जो मर्यादा लागी गई है, उसके लिए जरूर आपको बोलना चाहिए कि आने वाले समय में इस तरह की बात ना कही जाए। ठीक है गौरव जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा, लेकिन मेरी बात भी ये, देखिए मैंने सारे प्रवक्ताओं को मैंने सुना, और इन सारे प्रवक्ताओं को मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे भी सुना। देखिए आप डिबेट का मतलब यही होता है कि आप अपनी बात रखिए और दूसरे की सुनिए, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप किसी, आपने तो आपने कह ली, हम दूसरे को बोलने नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, अगर टिप्पणी करना है, कुछ तर्क वितर्क करना है, कर लीजिए, बदतमीजी करने की क्या जरूरत है गौरव जी? अगर हम बदतमीजी करें तो यकीन भाई भविष्य में ये गलती नहीं होगी। ठीक है, खत्म करता हूँ। आमिर भाई ने अभी एक बात कही जी कि बहुत शांति से जी सीए और एनआरसी पर जी जल्दी बोले, समय बहुत मुस्लिम जी पक्ष जी अपना आंदोलन कर रहा जी है। देखिए देश के हर राज्य में जी आंदोलन के लिए एक जगह निर्धारित कर दी जी, धरना प्रदर्शन करना वहां जाओ करो जी। जब आप सड़कें जाम करेंगे जी, लोगों को दिक्कत होगी जी, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। गजेंद्र जी लोग वहीं जा रहे थे, जाने नहीं दिया गया, रास्ते में रोक दिया गया। आज का मुद्दा है हमारी एजेंसियों की भूमिका जी। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के ऊपर जब भी कोई मुद्दा आएगा जी, जब भी ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतें खड़ी होंगी, इस देश की एजेंसियां कार्य करेंगी जी। यह एजेंसी कहीं आसमान से नहीं आती जी, हमारे आपके तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, हमारे आपके ही परिवार से आती जी। उसमें कोई जाति देख करके भर्ती नहीं की गई जी। तो कृपया इस पर तो कोई भी प्रश्न आप लोग बिल्कुल मत करें जी। एजेंसियां तमाम देश की जनता जानती है कि बड़ी एजेंसियां जितनी है सब सरकार की कठपुतली है। देखिए वो तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल के ही गए हैं कि हमारी सरकार ने कार्रवाई की, तो वो तो कोई विषय बिंदु ही नहीं है। एजेंसी अपना कार्य करती है, जब भी उनको इनपुट मिलता है कि यहाँ यह दशा यह स्थिति देश में चल रही है जो देश के लिए खतरनाक है, उस पर एजेंसियां अपनी विस्तृत जानकारी लेकर के वहां पे कार्रवाई। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा बहुत अहम था क्योंकि मुद्दा देश का था, और जब देश की बात होती है तो वहां पर सबको संयम के साथ बात करना जरूरी है। हालांकि यहां पर संयम कुछ समय के जरिए खोया गया था, और पर्सनल टिप्पणी भी हुई, कुछ टिप्पणी ऐसी हुई जिनकी व्याख्या करना शायद दोबारा संभव नहीं होना चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। हालांकि खेद जुटाया गया, पर आने वाले समय में उम्मीद करूंगा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं होगी। पर यहाँ पर जो मुद्दा था वो अहम था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पीएफआई से जुड़े लोगों और संगठन पर हुई है। महत्वपूर्ण यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो समय समय पर कार्रवाई होती रहनी चाहिए। पर चूंकि अब विपक्ष का आरोप ये भी है कि विपक्ष का कहना है कि चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, हालांकि कार्रवाई लंबे समय चलती आ रही है। और मेरा मानना यह है, और हमारे सभी देश के जो भी लोग भारतीय हैं, क्योंकि धर्म से जाति से हटकर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम इंडियन हैं, और हमारी भूमिका केवल केवल देश के लिए होनी चाहिए। अगर देश के पक्ष में, अगर देश हित में कोई काम हो रहा है तो सबको यहाँ पर अपने जाति धर्म पार्टी के विचार छोड़कर उसको समर्थन करना चाहिए। और आने वाले समय में अगर कार्रवाई और भी होती हैं
तो इन कार्रवाइयों का समर्थन करना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है और ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं, ये हमारा दायित्व है कि हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश के संविधान को मानते हैं, जिस देश के रिसर्च के हिसाब चलते हैं, जिस देश के कानून को हम अपना बनाए हुए हैं और जिस देश की संविधान में हमारी अखंड निष्ठा है, उस संविधान को मानते हुए उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश हित ही सर्वोपरि है। और आतंकवादी का कोई ना धर्म होता है, ना जाति होती है, ना ईमान होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। और जो भी देश हित में खराब करेगा या देश विरोधी गतिविधि करेगा, उस पर कार्रवाई चलती रहेगी और यही देश का न्यायतंत्र है और यही देश का संविधान की व्यवस्था है। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे जरूरत थी, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।